सो फाइनली आपके सामने ये मेरा प्रिंटर है जो कि एसपी डेस्क जेट मॉडल नंबर है 2331। तो यहाँ पे मुझे इसके साथ क्या क्या मिला है चलिए हम आपको दिखा देते हैं। ये सबसे पहले कार्ट्रिज है, एक कलर कार्ट्रिज, और सेकंड है ब्लैक एंड वाइट का कार्ट्रिज, और एक दो केबल मिली है, एक आपको प्रिंटर से लैपटॉप से कनेक्ट कराने के लिए ये यूएसबी केबल, और साथ में ये इलेक्ट्रॉनिक केबल है जो कि आप प्रिंटर को इलेक्ट्रिक से कनेक्ट। ये सभी मैनुअल गाइड दी गई हैं साथ में आपके कि इसे कैसे कनेक्ट कराते हैं। इन सभी को हम साइड में अभी कर लेते हैं, आपको हम दिखा देते हैं। ये कलर की कीज़ हैं, यहाँ पे पावर ऑन की की, ये कलर की, और ये एक ब्लैक एंड वाइट, ये स्कैनर की। ये हमारा स्कैनर है, ये आउटपुट ट्रे है, यहाँ से हम इसे एक्स्ट्रा भी बढ़ा सकते हैं, और ये है हमारा कैट्रिज। चलिए हम इसे ओपन कर लेते हैं। ये है हमारा प्रिंटर का कैट्रिज, और इसे कैसे हम इनबिल्ट करेंगे कैट्रिज को ये हम आपको बता देंगे। चलिए हम आपको दिखा देते हैं इसमें केबल कहाँ सेटअप करते हैं। केबल सेटअप करने के लिए आपके सामने ये इलेक्ट्रॉनिक की केबल है, यहाँ से आप इलेक्ट्रॉनिक से कनेक्ट करेंगे, और ये है यूएसबी केबल जो कि आप कंप्यूटर से इसे कनेक्ट करेंगे। तो इंस्टॉल करने के लिए आपको इन दोनों को कनेक्ट करके रखना है। तो चलिए हम यहाँ पे आपको ये भी बताएंगे कि इंस्टॉल कैसे करते हैं। ये है हमारी कलर कैट्रिज और ये है हमारी ब्लैक एंड वाइट कैट्रिज। तो ये जो है लगा हुआ एचपी का स्टिकर, इसे हम रिमूव कर देंगे और यहाँ से इनबिल्ट करेंगे नीचे। तो आप देख सकते हैं इसको आपको ऐसे इस तरह से हैंडल करना है, और ये जो आपको चिप लगी हुई है वो इनसाइड जाएगी, यानी अंदर के साइड में जाएगी। तो हम इसे लगा देते हैं, देखते हैं कैसे। तो आप देख रहे हैं ऐसे लगाएंगे और एक कट करके ऐसे आवाज़ आएगी आपके सामने। ये सेट हो चुकी है दोनों कैटरेज, और आप देख सकते हैं कि आसानी से ये लग चुकी है। यहाँ से हमने कर लिया है प्रिंटर को ऑन, और अब हम चलेंगे अपना ड्राइवर्स इंस्टॉल करने, जो कि एचपी डेस्कजेट 2331 का हम इंस्टॉल करेंगे। कैसे करेंगे चलिए हम आपको बता देते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप एचपी की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएंगे, और यहाँ से आप आएंगे तो सबसे पहले आई एक्सेप्ट करेंगे, और यहाँ से आएंगे नीचे स्क्रॉल करके, क्योंकि हमें प्रिंटर का करना है इसलिए हम नीचे आएंगे, तो डाउनलोड ड्राइवर्स करके आपको एक ऑप्शन मिलेगा सपोर्ट में, यहाँ से आप क्लिक करेंगे डाउनलोड ड्राइवर्स। आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, प्रिंटर, लैपटॉप, डेस्कटॉप, अदर। तो हमें प्रिंटर करना है तो हम यहाँ पे प्रिंटर पे क्लिक करेंगे। प्रिंटर पे क्लिक करते ही आप अपना प्रिंटर का ये मॉडल नंबर यहाँ पे आप डाल देंगे और यहाँ सबमिट करेंगे। जैसे ही हम सबमिट पर क्लिक करते हैं हमारे सामने कुछ इस तरह का आ जाएगा, डिटेक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि हमारा डिटेक्ट कर चुका है विंडोज 10 को इंस्टॉलेशन। तो हमें क्या करना है, यूटिलाइज सॉफ्टवेयर करना है, तो यहाँ पे हम इंस्टॉल कर देंगे। यहाँ पे हमारा डाउनलोड हो चुका है और हम यहाँ से करेंगे इसे इंस्टॉल। 2 से 5 मिनट का समय लगेगा जिसे इंस्टॉल करने में। कनेक्ट द प्रिंटर, कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद आई हैव रिव्यूड एंड एक्सेप्ट द एंड ऑफ यूजर लाइसेंस, यहाँ पे एग्रीमेंट करेंगे, यहाँ से हम एक्सेप्ट करेंगे, फिर नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे हम इनेबल एचपी कैटरेज प्रोटेक्शन करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। तो यहाँ से आपसे पूछेगा कि इन होम के लिए, तो आप यहाँ पे इन होम कर देंगे और यहाँ पे स्पेसिफाई कर देंगे कि आप पर्सनल यूज के लिए इसे यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको पोस्टल कोड इंटर करना होगा, इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे। सेटअप हो चुका है, यहाँ पे आप ऑप्शन देख सकते हैं, यहाँ से ये हमारा सेटअप हो चुका है। अब हम जाएंगे अपने पीसी में कंट्रोल पैनल में, इसके बाद हम यहाँ पे कंट्रोल पैनल में जाएंगे। कंट्रोल पैनल में हम देखेंगे अपना प्रिंटर का कहाँ पे है यहाँ पे, तो डिवाइस एंड प्रिंटर्स पे क्लिक करेंगे, और डिवाइस एंड प्रिंटर्स पे क्लिक करते ही यहाँ पे हम इसे क्लिक कर लेंगे। यहाँ पे एसपी डेस्क जेट आ रहा है तो इस पे हम क्लिक कर लेंगे। तो यहाँ पे ये सेटअप हो चुका है, और अब हम चलते हैं आपको प्रिंट और स्कैन करके आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे ड्राइवर्स में जाएंगे,
जैसे ही ड्राइवर्स ओपन होगा तो हम यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे स्कैन का ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, स्कैन पे जाएंगे और स्कैन ए डॉक्यूमेंट पे करेंगे। तो यहाँ से प्रोसेसिंग होगा और थोड़ी देर में ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद यहाँ पे सबसे पहले ये शो करेगा कि आप इसे पीडीएफ में सेव करना चाहते हैं या जेपीजी में, या ईमेल एज पीडीएफ करना चाहते हैं या जेपीजी, या एवरीडे स्कैन ही करना चाहते हैं। इसके बाद स्कैन का जो भी आएगा, यानी कि आप इसे किस शेप में करना चाहते हैं, डॉक्यूमेंट या फोटो, तो उसके बाद यहाँ से इसकी साइज दी गई है। जिस भी साइज में आप यहाँ पे कस्टम करना चाहते हैं यहाँ पे आप इसे कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे कलर दिया है कि अगर आप कलर में करना चाहते हैं तो कलर में कर सकते हैं, अदरवाइज ब्लैक एंड व्हाइट या ग्रे इसमें भी आप कर सकते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे हम स्कैन पे क्लिक करेंगे। स्कैन पे क्लिक हो रहा है, आपके सामने कुछ इस तरह की नॉइज आएगी। हमारा स्कैन स्कैनिंग कर रहा है, इसके लिए हम वेट कर लेंगे। यहाँ पे स्कैन हो चुका है, इसे हम प्रीव्यू कर लेंगे। चलिए हम प्रीव्यू करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने स्कैन किया हुआ है, इसे हम रोटेट कर लेंगे। रोटेट कर लेंगे और रोटेट करने के बाद आप यहाँ पे चाहें तो आप इसे सेव कर सकते हैं। तो यहाँ पे वैसे क्वालिटी तो इसकी बेटर है, मैंने देख लिया है क्वालिटी इसकी अच्छी क्वालिटी है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम सेव पे क्लिक करेंगे और इसे हम चाहें तो अपने कहीं भी डेस्कटॉप पे आसानी से इसे पीडीएफ में सेव कर सकते हैं। अगर आप अपने डॉक्यूमेंट्स में मैन्युअली कुछ बढ़ाना चाहते हैं, ब्राइटनेस, कॉन्टेक्स्ट वगैरह, तो आप यहाँ से इसे बढ़ा सकते हैं और यहाँ से आप चाहें तो इसे क्रॉप भी कर सकते हैं। तो हम अपने डैशबोर्ड में आ जाएंगे और यहाँ से हम एक चीज प्रिंट करके देखेंगे। तो चलिए हम इसे प्रिंट कर लेते हैं। और तो हम यहां से करेंगे कंट्रोल पी। तो यहां से हम देखेंगे एसपी जेट डेस्क आ गया है और यहां पे हम पेजेस कर देंगे, ऑल सेटअप है और यहां पे हम करेंगे प्रिंट। तो यहां पे आप लोग देख सकते हैं कि प्रिंट हो रहा है, थोड़ी सी स्पीड स्लो है और यहाँ पे प्रिंट हो रहा है, जो कि मैंने कलर प्रिंट दिया है और प्रिंट निकल रहा है, आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये प्रिंट होकर आ चुका है, जो कि कलर में है और वैसे क्वालिटी तो बहुत अच्छी है। इससे आप अपने वन मंथ में चाहें तो 1000 तक पेज कंटिन्यू करके आप निकाल सकते हैं। और अब चलिए अब हम यहाँ पे ब्लैक एंड वाइट देख लेते हैं कि ब्लैक एंड वाइट पेज कैसे निकालते हैं। तो चलिए हम ब्लैक एंड वाइट भी देख लेते हैं। तो चलिए अब हम ब्लैक एंड वाइट देख लेते हैं प्रिंट कैसे हो रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रिंट हो रहा है और प्रिंट होकर आपके सामने आ रहा है। तो यहाँ पे मैंने अपना एक रिज्यूम भी निकाला हुआ है, जिससे आप देख सकते हैं। तो इसकी क्वालिटी बेटर है, एकदम ही अच्छी क्वालिटी है और यहाँ की मतलब इसमें कहीं भी ऐसा नहीं दिख रहा है कि आपको कोई डाउट हो। और क्वालिटी मतलब इसकी बेटर है, आप वन मंथ में इसके 1000 पेजेस आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो अगर आपको इसको कभी भी परचेस करना हो, अगर आपके होम के यूज़ के लिए या ऑफिस यूज़ के लिए, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक देख सकते हैं और लिंक से आसानी से परचेस कर सकते हैं।